नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली के ढेर सारा शुभकामना। दोस्तों हम काफ़ी दिन बाहर थे इसलिए आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज हम हमारे गार्डन का ओवरव्यू जो कि मेरे घर पे अभी जो खिला हुआ फूल में उसका आपको वीडियो दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैंने कम ही समय में ये शूट किया हुआ वीडियो है तो शायद आपको क्वालिटी में या फिर वीडियो शेक हो सकता है, उसके लिए मैं आगे से ही आपको माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों मेरे यहां पे जब लास्ट टाइम मैंने दिखाया था हमारे यहां पे एजिलिया इतना शानदार तरीका से फ्लावरिंग हुआ था, उसका अभी भी फ्लावरिंग ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये पौधा अभी भी मेरे घर पर खिला हुआ है। इसका एक नहीं कई सारा जो पौधा है वो अभी भी फूल दे रहा है कंटिन्यूस। और इस तरफ में मैंने कुछ ये गेंदा का फूल लगाया हुआ था, वो भी अभी ज़बरदस्त तरीका से खिला हुआ है। खैर इसका गमले मैंने कुछ नया टाइप का यानी कि इसका अच्छा क्वालिटी का एक गमले भी खरीद लिया है। आपको कैसा लगा ये गमला नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इनका फूल का साइज भी काफ़ी हद तक बड़ा खिला हुआ है और अभी दिवाली का है तो दिवाली के टाइम पे ये गेंदा या फिर गुलदाउदी ये सब फूल ऐसा खिला हुआ आपको दिखने को मिल सकता है। खैर मेरा गुलदाउदी तो थोड़ा मैंने देर से लगा दिया, फिर भी इसमें काफ़ी हद तक अच्छा सा फ्लावरिंग हो रहा है और किसी में बर्ड्स है तो किसी में फूल खिला हुआ है। इसका कलर्स मैंने काफ़ी सारा लाया था लेकिन मुझे लगता है मेरे पास में 4-5 कलर ही अभी मुझे दिखने को मिल सकेगा ये समय में। और बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो है कैमेलिया का पौधा। और ये जो हमने आपको बोला था कि एंथोरियम का प्रोपेगेशन का वीडियो वो अभी तक आपने नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन में आपको या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो आप ज़रूर एक बार विजिट करें ताकि आप भी ऐसा ही अपने घरों में फूल खिला सके। ये कुछ 2-3 कलर का ऐसा एंथोरियम मेरे यहाँ पे जो मैंने पर्सनली नर्सरी पे नहीं मेरा खुद घर पे ही अभी मैंने लगाया हुआ है। और इस तरफ में कुछ अभी भी मेरा ये एजेलिया वाइट कलर का ये भी खिल रहा है और साथ में कुछ मैरेंटा। और मैंने ये राइट हैंड साइड पे कुछ जो पौधा रखा हुआ है वो है परमानेंट्स प्लांट्स मैंने, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है लेकिन ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट्स मैंने मॉन्स्टेरा डिलोशिया मॉन्स्टेरा वेरीगेटेड और ये ब्लैक प्रिंस पिंक प्रिंस और नीचे के तरफ में स्ट्रैगन फन ये सब रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रैगन फन के ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत सा ये परमानेंट एक हैंगिंग या फिर आप इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रीज वगैरह में भी इसको आप लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने कुछ ये स्ट्रैगन फन का जो पौधा है वो लगा दिया है। और यहाँ पे कुछ सीडम यानी इसकी हम इसे डंकल स्टेल या फिर कोई इसे मंकल स्टेल ये भी बोलते हैं, इसको भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। खैर हमारा जो अभी यहाँ पे मौसम दिन के टाइम में तो बहुत ही गर्मी है और रात के समय में बहुत ही ठंडा पड़ना शुरू हो चुका है तो इसलिए हम और भी आपको इस तरफ में दिखने को मिल सकता है कुछ मेरा गुलदावदी का। और यहाँ पे कुछ सीडम ही लगाया हुआ है, सीडम हैंगिंग में बहुत ही बढ़िया दिखने को आपको मिल सकता है। और नीचे के तरफ में जो भी प्लांट्स लगा हुआ है मैं आपको किसी दिन बताऊँगा। और यहाँ पे हमने ऊपर के तरफ में है इंग्लिश आईवी और नीचे के तरफ में कुछ जेरेनियम नॉलिना और हमने कई सारा एजेलियास और एलिफेंट चेयर्स एलोकेशिया ये सब रखा हुआ है। इस तरफ में ये है सेलम। सेलम लगाने का फ़ायदा हमें ये होता है। और इस तरफ में ये है कैमेलिया जो कि वाइट में फ्लावरिंग होके रखा हुआ है। तो सेलम लगाने का फ़ायदा ये है कि ये सेलम एक इंडोर में बहुत ही बढ़िया दिखने वाला या फिर आप ऐसे घर के सीढ़ियों में या फिर अपने बेडरूम के साइड में रखते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाला परमानेंट प्लांट्स रहता है। तो मेरा घर पे कुछ आपको ऐसा दिखने को मिल सकता है जो कि बाहर की तरफ में, हम गाँव में रहते हैं तो हमारे गाँव में ऐसा आंगन रहता है हर एक के घर में, तो
ये मेरा रिलेटिव्स का घर भी सामने ही है, इस तरफ में भी लगाया हुआ है। जो मेरा पुराना वाला घर है, खैर उसका भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है ये पुराना वाला घर का। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से हम अपलोड